नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? और ऐसे तो हमने बहुत तरह के चीले खाए हैं, लेकिन आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो बेसन के चीले बनाएंगे हम। बहुत सारी सब्जियाँ डालकर बनाएंगे इसको। तो इसके लिए मैंने लिए बेसन, तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम बेसन है जो मैंने लिया है, और इससे हम चीले बनाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप बेसन, मैदा या सूजी लेते हो तो इसको छान लीजिए, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन इसको छानने से एक तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और ऊपर से कुछ होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को ज़रूर छान के यूज़ कीजिए। आइए शुरू करते बनाना बेसन। इसके साथ ही ये देखिए, ये लिए हमने कैप्सिकम, प्याज, टमाटर लिया है, हरा धनिया इसको भी काट लिया है। साथ ही ये लिए हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। तो अगर बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ले लिया बेसन, और बेसन में मैं डाल देती हूँ शिमला मिर्च डाल दी है। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं प्याज, डाल दिए प्याज, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ टमाटर। जितने आपको पसंद हो ना आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। टमाटर डाल दिए हमने और हरा धनिया डाल रहे हैं, और इसके साथ ही मैं थोड़ी हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये दो हरी मिर्च काटी हुई है। ये फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ नमक, हरी मिर्ची डाली है तो लाल मिर्ची अपने हिसाब से, जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से आप लाल मिर्ची डालिए। और ये मैं डाल रही हूँ, ये मैंने डाला आधा चम्मच जीरा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाहें तो पहले बेसन का ना थोड़ा पेस्ट बना लीजिए, फिर सब्जियां मिक्स कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि बेसन की गुठलियां खत्म करके फिर आप इसमें सब्जियां मिक्स कर सकते हो। और पानी पहले थोड़ा डालिए, फिर आपको लगे कम है थोड़ा थोड़ा करके डाल के आप इसका पेस्ट बना लीजिए। लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए चीले का बैटर बिल्कुल तैयार है। बस इसमें बेसन की ना गुठली नहीं रहनी चाहिए, ये देखिए इसमें बेसन की कहीं गुठली नहीं है कोई भी। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर हम इससे अपने चीले बनाएंगे। बेसन के चीले बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए मैंने तवा रख दिया गैस पर। इस तवे पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ये बिल्कुल हल्का सा तेल लगाया मैंने इस पे। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे चीले का बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए, और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और अब चीले बनाना स्टार्ट करते हैं, लैडर भर के ऐसे धीरे फैला देंगे। लोहे का तवा यूज किया है मैंने, आप चाहें तो नॉनस्टिक पे बना सकते हो। ये लोहे के तवे पे बनाना पसंद है क्योंकि इस पे ना बहुत कुरकुरे बनते हैं। भी चीज आप बनाओगे ना, चीले वगैरह या पराठे हो या चीले हो, लोहे का तवा ही यूज कर रही हूँ। इस पे चीले के चारों साइड हल्का हल्का सा तेल डाल देंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे हम। उससे क्या होगा, इसको पलटेंगे ना तो ये नीचे नहीं चिपकेगा, ये सिक चुका है। ये हम इसकी साइड बदल देते हैं, इसको ऐसे आराम से उठाकर और फिर आराम से पलट दीजिए इसको। ये देखिए तेल आपको अपने हिसाब से जितना लगाना आप उतना लगाइए, कम तेल में भी आप सेक सकते हो, आपको तेल कहीं नहीं नजर आ रहा। और ये देखिए कितना अच्छा सिक चुका है ऊपर से। इसको थोड़ा सा ऐसे ना प्रेस करके सेक लेंगे, उससे क्या होगा कि ये अंदर तक अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि चीला ना अंदर सिक चुका है, बट अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, और जब हम खाते हैं ना तो पता लगता है कि ये अंदर से कच्चा रह गया है। इसलिए इसको दबा कर अच्छे तरीके से गैस को थोड़ा सा धीरे कर लीजिए, और धीरे धीरे इसको सेक लीजिए। अगर आपको लगता है कि तेल और लगाना है तो आप तेल लगा सकते हो। ये देखिए कितने आराम से ये सिक जाएगा। तो इसको कम से कम तेल में भी आप बना सकते हो, एक तो हेल्दी है, ऊपर से हमने इसमें सारी सब्जियां डाली हैं। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो चीले में, जो आपको पसंद हो वो सब्जी इसमें डाल सकते हो। ऐसे दबा दबा कर अच्छी तरीके से इसको सेक लेंगे, और इसके दूसरी साइड पलट देते हैं, इधर से भी एक बार और अच्छा सेक लेते हैं।
ये देखिए दूसरी साइड बिल्कुल तेल नहीं लगाया था, और ये देखिए कितना अच्छा सिका है। मैं बिल्कुल हल्का सा तेल लिया और इसको बस जो इसके बैक साइड में लगाया ना उसी से ही हम इसको बनाएंगे, चीले बना लेंगे। जितना पतला आप चीला बनाओगे उतना अच्छा सिकेगा। जो कोई कोशिश कीजिए कि बिल्कुल बारीक बारीक काटे। ऐसे साइड में तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर डाल दीजिए। कुल्हड़ के चारों साइड से सिक चुका है अंदर से नीचे की साइड से, तो इसको पलट दीजिए आराम से। करिए ये देखिए, हम ज़्यादा तेल नहीं लगा रहे हैं, बस ये तवा लोहे का लिया हुआ है ना, इससे ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ना दोनों साइड से अच्छा सिक गया ठीक ठीक, तो फिर गैस धीरे कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा दबा दबा कर ऐसे सेक लीजिए, उससे ये अंदर तक अच्छे तरीके से सिक जाएगा। दोनों साइड से हमें अच्छा सा क्रिस्पी करना है इसको। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा चीला बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिक चुका है। अब बार बार तेल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, आप इसको देसी घी से बना सकते हो, ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चीला बिल्कुल तैयार है। दोनों साइड से देखिए कितना अच्छा सिक चुका है। ये देखिए चीला हटा लेते हो ना, तो उसके बाद इसके हल्का सा तेल डाल के इसको फैला दीजिए, ऑयलिंग हो जाएगी और उसके बाद आप अपना दूसरा चीला इस पर बना सकते हो। करके बेसन जितना बड़ा आपको बनाना है उतने उसके हिसाब से आप उसको अपने चीले का बैटर उतना डाल लीजिए। आपको छोटे छोटे बनाने बच्चों के लिए इसको आराम से फैला दीजिए। बनाने के लिए डालते हैं तो उस टाइम अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म है तो गैस को बिल्कुल धीरे कर लीजिए। तेल ये देखिए बिल्कुल हल्का सा, और साइडों में थोड़ा थोड़ा सा साइडों में डाल देंगे, नीचे चिपके नहीं। चीला सही नहीं बन रहा, चिपक रहा था वे पे, तो उसका मतलब है कि आपका ये जो चीला का बैटर है ना ये पतला है, तो इसमें आप बेसन और मिला के उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिए, फिर आपके चीले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये लीजिए नीचे से सिक चुका है, और जब ये सिकेगा ना फ्रेंड्स ये अपनी साइडें छोड़ देगा तो उससे भी पता लग जाएगा। तो आपको जब ये डाल देते हो तो उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा तेज करना गैस को, धीरे धीरे बनाइए अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो। कितना अच्छा हमारा चीला सिका है, करके आप सारे चीले आसानी से बना सकते हो। और बेसन के चीले ना सबको ही पसंद आते हैं, बच्चों को भी खासकर ये पसंद आते हैं, और दूसरा ये हेल्दी भी होते हैं, तो आप इनको कभी भी बना के आप दे सकते हो, इनको टिफिन में भी दे सकते हो और नाश्ते में भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच में किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हो। शाम के टाइम आपको भूख लगी है तो आप चीला बना सकते हो। चीला ले लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा चीला दोनों साइड से देखिए कितना अच्छा पक चुका है। और इस तरीके से मैं अपने सारे बाकी के बच्चे हुए चीले भी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेसन के चीले बिल्कुल तैयार हैं, और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। बहुत आसानी से घर में चीले बना सकते हो। और ये तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे चीले तैयार हैं, और ये मैंने काट दिया है, ये देखिए कहीं से भी कच्चापन नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं ये, और इतने क्रिस्पी बने हैं ये। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।